गौरी, ओ गौरी। हाँ दीदी, क्या हुआ? आजकल बहुत पूछी पूछी रहती हो, क्या बात है? काशी सनबन हो गई है क्या? नहीं तो, ऐसी कोई बात नहीं दीदी। तुम तो कह रही थी काशी घर आने वाला है, कब आ रहा है वो? वो नहीं आएगा दीदी, नहीं आएगा। क्यों? उसने मुझे क्लब में देख लिया था। तो मैंने मैंने उसे नहीं बताया था कि मैं क्लब में। क्यों क्यों नहीं बताया था? तुम्हें बता देना चाहिए था कि तुम अपनी मर्जी से नहीं, अपनी अपाहिज बहन को जिंदा रखने के लिए नाच रही हो। मुझे पता था एक ना एक दिन तुम भी। कितनी बार मना किया मैंने तुम्हें, क्यों बर्बाद कर रही हो मेरे लिए अपनी जिंदगी को? काश मैं ही मर जाती तो। ऐसा मत कहो दीदी। गौरी, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। तू काशी को सब कुछ बता दे, वो समझ जाएगा। मुझे विश्वास है वो तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। काशी मेरी बात सुनो। अब सुनने को रहा क्या है? जो देखा वो काफी नहीं? अब जो भी नई कहानी है इन्हें सुनाओ, भोले हैं यकीन कर लेंगे। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि सच क्या है। चंद्रू की वजह से हमारी ये दुर्दशा हुई। मैंने कई बार तुम्हें बताना चाहा, मगर तुम्हें खो देने के डर से मैं चलती हूँ काशी। मैं बाबूजी को कल बनारस लेकर जा रहा हूं। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। वो चाहते हैं कि उनके बचे हुए दिन वो शांति से गुजार सके। मैं वापस आऊंगा तुम्हें लेने। चलोगी ना मेरे साथ? शिव, मैं तो कहता हूं कि तुम भी साथ चलते तो अच्छा होता। पिताजी, अभी ये दुकान उकान का फैसला होना है ना, और फिर मुन्ने का स्कूल भी है, मैं अभी नहीं आ सकता। अच्छा भैया, कहा सुना, माफ करना। अरे ऐसा क्यों कहता है? अरे देख, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा ना, मैं बुला लूंगा तुझे फिर से। तू भी तो, क्या जरूरत थी तुझे कहा थी ऐसे उलझने की? फिर से चुपचाप रहता तो फिर क्या करता? गुलामी करता, तलवे चाटता उसके। देख, तू फिर से गुस्सा कर रहा है, तुम्हारी यही आदत मुझे। ठीक है शिव, जो कुछ हुआ भूल जाओ उसे। जाते हुए झगड़ा नहीं करते, जरा बहू का और मुन्ने का ख्याल रखना। मुन्ना, तू मेरे पास बनारस में आएगा ना? जीते रहो। काशी, मेरे काशी को बचाओ, काशी, काशी।
काशी को छोड़ दो, मेरे काशी को छोड़ दो, मेरे काशी को मत मारो, मेरे काशी को मत मारो। जेना गाधिया गाधिया, ये नहीं तेरा बाप कुत्ता है। देखा काशीनाथ, तूने कहा था तू कात्या के यहां कुत्ता बनकर नहीं रहना चाहता, लेकिन अब देख तेरा बाप कुत्ता बनकर मेरे सामने तुम हिला रहा है, मेरे तलवे चाट रहा है। कुत्ते का पिल्ला कुत्ता होता है, शेर नहीं। तेरा बाप कुत्ता है, तू कुत्ते का पिल्ला है, कुत्ता है तू कुत्ता। मैं चाहता तो तुझे उसी दिन जान से मार डालता, लेकिन वो मौत तेरी बहादुरी का इनाम होता, सजा नहीं। तेरी सजा ये है, ये देखो इसे, ये है तेरी सजा। इसके बाद तेरी हर सांस तुझे धिक्कारेगी, जिंदगी बोझ लगेगी तुझे, और तू मौत को ढूंढता फिरेगा। जब थक जाए तो कात्या के दरवाजे पे आना, रहम आ गया तो कात्या तुझे मौत भी दे देगा। जा कुत्ते, अपने पिल्ले के पास जा। हट। बाबूजी अब कैसी तबीयत है बाबूजी की? देखो काशी, काय चाललं इकडे, काय चाललं हे एवढा रात्री तुमचा? कुछ नहीं, चलो काशी, हम लोग यहाँ यूं ही बैठे। ऐसा वैसा क्या है, कायदा कानून कुछ है कि नहीं? हम लोग यही रहते हैं पास में। ही पोरी, चलो ना काशी। ही पोरी तो होटल में नाचते नाचते चले ला, हाथ बदी क्या बगू। मार देंगे मुझे, फांसी चढ़ा देंगे, मर जाऊंगा। नहीं छीना ना मर्दों की तरह, ना पुंसों की तरह। मेरे सामने तुम्हें कोई हाथ लगा, मैं देखता रहूं। अरे काट दूंगा इन लोगों को। कहां थे ये लोग जब उन लोगों ने मेरे बाबूजी को कुत्ता बनाया? क्या इज्जत से जीना पावे? हम लोग सर उठाकर जीना चाहते हैं, सर उठाकर। बाबूजी का इलाज करने आए थे हम लोग, कुत्ता बना दिया उन लोगों ने। हाथ जोड़ते हैं बनारस में, सलाम करते हैं लोग, और यहाँ यहाँ नहीं काशी। नहीं।
वो बहुत अच्छा आदमी है इंस्पेक्टर, प्लीज उसे छोड़ दीजिए। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम उससे इतना प्यार करती हो तो उसे समझाया क्यों नहीं। अरे कातिया से पंगा लेने की क्या जरूरत थी, कातिया से पंगा लिया तो ये नौबत आ गई ना। कातिया की नौकरी करता, चुपचाप पड़ा रहता। चुपचाप तेरी तरह बेशरम बनकर नाचती क्लब में है, बात शर्म की करती है। वाह अच्छा है, अच्छा है। नाचती हूँ क्लब में, नाचती हूँ, मेहनत और पसीने की खाती हूँ, तेरी तरह बेईमानी की रोटी नहीं तोड़ती। तू नमक खाता है सरकार का और गुलामी करता है कात्या की। ए, शट अप, शट अप। देख, तू देख, देख ना। कहाँ गया रजिस्टर मेरा? ऐसा केस बनाऊंगा 7 साल के लिए अंदर जाएगा वो, देख ना। बना केस, तू बना केस, कॉल रजिस्टर और लिख, लिख। तेरे हवलदारों ने मेरा हाथ पकड़ा, तेरे हवलदारों ने दारू पीकर मेरा हाथ पकड़ा। हाथ क्या पकड़ा, मेरे कपड़े भी फाड़े। ये देख मेरे कपड़े फाड़े। लिख, कॉल रजिस्टर और लिख। तू लिखेगा और बनाएगा केस। मैं औरतों को इकट्ठा करती हूँ, वो गवाही देंगी। केस बना, चल चल लिख, कब देख क्या रहा है। मुरारी प्रॉब्लम उधर नहीं, इधर है। छोड़ छोड़ दे भाई, छोड़ दे उसको। ठीक, सचदेव को काट के फेंक दिया, तुम्हारे उस बनारसी पहलवान के घर में निकाल दी, इसके बाप को भरी बस्ती में कुत्ता बनाया। इतना सब कुछ हो गया फिर भी दुकानें खुली हैं, धंधा चालू है। पर बायलॉ कोर्ट, ए कात्या बोला वो लॉ। तुम्हारी वजह से भाई ने अपने खास आदमी की उंगली कटवा दी, तुम्हारी ये हिम्मत? हिम्मत का बात नहीं भाई, ये जरूरत का बात है। डायलॉग मारने का नहीं। तू नाम बोल। अंबिका लाल सत्यनारायण प्रसाद तिवारी। जगह बोल। 10x12। लिख 50,000। साहब 1.5 लाख का सामान है उसमें। 40 लिख। अरे पर कात्या का लॉ से जो रैम में मिल रहा है ना, वो एक एक करके लेके गुम हो जाने का। भाई तू चिंता मत कर, अपन पूरा बराबर वॉच रख रहे। जो भी दुकान का शटर खोलेगा ना, उसका लाइफ का शटर अपन गिरा डालेगा। तू कात्या के यहां कुत्ता बनकर नहीं रहना चाहता, लेकिन अब देख तेरा बाप कुत्ता बनकर मेरे सामने दम हिला रहा है, मेरे तलवे चाट रहा है। तेरा बाप कुत्ता बनकर मेरे सामने दम हिला रहा है, मेरे तलवे चाट रहा है। तेरा बाप कुत्ता बनकर मेरे सामने दम हिला रहा है, मेरे तलवे चाट रहा है। तेरा बाप कुत्ता बनकर मेरे सामने दम हिला रहा है, मेरे तलवे चाट रहा है। काशी, अपने क्रोध को पालना सीख बेटा। यही देखने आया था ना कि मेरी सांसें चल रही हैं या नहीं, ताकि मेरे मरने के बाद तू कात्या को मारकर जेल जा सके। क्रोध को पालना सीख। जब गांधी जी को गाड़ी के बाहर फेंक दिया गया था ना, तो उन्होंने डीसी पर अपना क्रोध जाया नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने क्रोध को पाला, उसे नींव बनाया, अपनी आजादी की लड़ाई का, मुल्क आजाद कराया। तुझे भी वही करना है काशी। कात्या को मारना समस्या का हल नहीं है। दुश्मन कात्या नहीं, बल्कि लोगों के अंदर छिपा हुआ उसका डर है, जो मेरे कैंसर से भी ज्यादा घातक है। उस डर ने लोगों की आवाजें बंद कर दी हैं, खोखला कर दिया है उन्हें। तुम्हें उन लोगों के अंदर हिम्मत फूंकनी है, इतनी हिम्मत कि वक्त आने पर कोई बच्चा भी भिड़ जाए कात्या से,
कात्या खुद ब खुद मर जाएगा और फिर कोई कात्या कभी पैदा नहीं होगा। क्रोध को पालना सीख बेटा। हाँ? इतनी रात गई यहाँ शराब पी है? ये दुकान में ताला लगा दे। शराब पी है भैया? हाँ पी है मैंने शराब। अरे बहुत दिनों के बाद मैंने वो किया है जो मेरे मन ने कहा। मैंने तय कर लिया काशी, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस बनारस चला जाऊंगा। सब कुछ छोड़ देंगे आप? अपनी ये दुकान, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़ देंगे? अरे तुम्हें अभी भी लग रहा है ये सब कुछ मेरा है? सब कुछ गया मेरे भाई, सब खत्म हो गया। बस वहां बनारस में जो जमीन है उसी में कुछ कर लूंगा मैं। कौन सी जमीन? वहां कोई जमीन नहीं है। वो बनारस में अपनी जमीन है ना? बुजदिल की कहीं कोई जमीन नहीं होती भैया। क्या बकवास कर रहा है तू? आज एक कातिया के डर से आप ये जमीन छोड़ के भाग रहे हैं, कल वहां कोई और कातिया भगाएगा, किस जमीन पर अपना हक जमाओगे? बंद कर तेरा ये लेक्चर। अरे तू मुझे सिखा रहा है? अरे मैंने इसी चौराहे के बीचों बीच आतंक देखा है, भोगा है मैंने उसे। हाँ मुझे तुम्हारी तरह गुंडागर्दी करने का शौक नहीं है। हक की लड़ाई गुंडागर्दी नहीं होती भैया। हक हक हक, अरे किस हक की बात कर रहा है तू? अरे दीमक चाट गई उस शब्द को इन किताबों में। अरे बकवास है काशी, ये इंसाफ अधिकार हक सब बकवास है। यहां तो मेरे भाई सिर्फ एक बात चलती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये तो अच्छा हुआ भैया कि कातिया की नजर आपकी दुकान पर पड़ी, आपकी पत्नी पर नहीं, नहीं तो उसे भी छोड़ के चले जाते आप। तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए? वो मेरी पत्नी है, हमारे घर की इज्जत है, तुम्हारी भाभी है वो। और जमीन मां, भैया मां, वो जमीन जिसे इस शहर में आपको दो वक्त की रोटी दी उसे छोड़ के चले जाएंगे आप? वो जमीन जिसके दम पर आपने घर बसाया, शादी की, मुन्ना की परवरिश की उसे छोड़कर चले जाएंगे आप? वो जमीन जमीन नहीं, आपकी इज्जत है भैया, इज्जत। और इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैंने तय कर लिया है। क्या? मैं मर जाऊंगा लेकिन ये दुकान नहीं छोड़ूंगा, बस। हाँ लेकिन दुकान अभी काहे को खोली तुमने? हाँ नहीं नहीं, तुम एक दुकान खोलोगे तुम्हारी वजह से सारे दुकानदारों पर मुसीबत आ जाएगी। कौन खोला दुकान? इसका दुकान? हाँ मैंने खोला, क्या करेगा तू? हाँ बीच में आ, क्या करेगा तू बोल? गिनती ले। अरे बोल। एक दो तीन चार। ए ए तेरी तो मत। ए ए ये 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 मार, तू मार। ए ए कोई बीच में ले आएगा आज खबाचा तू? बोला ना कोई बीच में नहीं आएगा। मानना बोला ना, मानना आप ना हिलेगा ना डूलेगा। मोहम्मद भाई ए तू रुक इधर, कोई हिलेगा नहीं। मोहम्मद भाई आ रहे नहीं। मोहम्मद भाई शिवा क्या मोहम्मद भाई आने वाला है, दुकान बंद करो। अरे कुछ नहीं होगा मोहम्मद भाई से। सुनो हमारी देखो सचमुच आज का बच्चा तू। देखो शिवा, वो सब समझते हैं तुम्हारी हर बात, हम लोग समझते हैं, लेकिन एक बात बताइए आप लोग, हम व्यापारी लोग हाथ में तराजू लेके धंधा करेंगे कि पिस्तौल और तलवार लेके उन गुंडों का मुकाबला करेंगे? एक काशी, तुम्हारा जैसा और पहलवान होएगा ना उधर बनारस में, एक 10-12 इधर बुला लो ना, उनका जो बनता है अपन दे देंगे उनको। हाँ हम लोग उनको रहने को जगह देंगे, लिविंग क्वार्टर्स पालेंगे हम उनको। हाँ पहले तुम उनको पालोगे, फिर जब उन्हीं में से कोई कांटा बनकर तुम्हारे सर पे बैठेगा, गुंडे पालेगा ये। अरे यार जो कुछ भी करना है हमको करना है। तेरा तो कुछ नहीं जाता है,
तेरा भाई पहलवान है, मेरा भाई भी नहीं है। शिवा तू लकी है, तेरी दुकान चलेगी। हाँ दामू काका, हम लोगों की तो ऐसा ही लगता है। यार सुनते क्यों नहीं, सबकी चलेगी यार। क्या चलेगी, दुकान चल रही है क्या, बंद पड़ी है। एक तो हम उन गुंडों का मुकाबला कर नहीं सकते और पुलिस हमारी सुनती नहीं। सुनेगी, पुलिस तुम्हारी बात सुनेगी, उन्हें सुननी पड़ेगी। ए, अभी ये क्या करेगा? हाँ हाँ तस्वीर भिजवा चुका हूँ मैं, साथ में सारी डिटेल भी दे चुका हूँ। अरे आप लोग समझते क्यों नहीं, वो मेरी बेटी है। बेटी दोपहर से गायब है, अब तक कुछ पता नहीं चला। शहर में नाकाबंदी कर दीजिए, भले स्टेट की सारी पुलिस लग जाए, लगा दीजिए पुलिस को, लेकिन मुझे मेरी बेटी चाहिए। क्या? हाँ हाँ कमिश्नर से तो क्या, मैं मिनिस्टर से भी बात कर लूंगा। हाँ क्या कहा उन्होंने? शांति रखो, कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, ये सब तुम्हारे कुकर्मों का नतीजा है। अगर मेरी बेटी को, अरे मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा उसे, आ जाएगी वो। मर चुकी है वो, मार दिया उसे। क्या? पुलिस वाला बिना सबूत के कुछ मानता नहीं। ये लो। कब हुआ, कैसे हुआ, किसने मारा, पंचनामा करना है, केस बनाना है। क्यों इंस्पेक्टर, न जाने कितने ही बेगुनाहों के खून के धब्बे पड़े पड़े सूख गए सड़कों पर, जिनका कभी केस नहीं बना, और जिनका केस बना उन फाइलों पर से कभी धूल उठी ही नहीं। आज अपनी बेटी का खून देखकर घुटने पर आ गए। तुम्हारे ही सताए हुए किसी एक ने मार डाला है उसे। लेकिन इसको क्यों मारा, पिंकी को क्यों मारा? अरे क्या बिगाड़ा था इसने किसी का? क्यों क्यों अहिंसा से अपना हक मांगने वाला सचदेव सारे बाजार काट कर फेंक दिया गया? क्यों उसकी बीवी मालती तुम्हारे ही पुलिस स्टेशन में सर पटक पटक कर पागल हो गई और उसे इंसाफ नहीं मिला? क्यों एक बुजुर्ग को चौराहे पर कुत्ता बनाया जाता है, उसका तमाशा बनाया जाता है और पुलिस मुंह फेर कर चली जाती है? क्यों टेचो परिवार अपनी जमीन के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए कभी किसी मिनिस्टर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, तो कभी कातिया के दरवाजे पर अपना माथा टेकते हैं, तो कभी तुम्हारी जेबें गर्म करते हैं, फिर भी उनके घर में चूल्हे ठंडे पड़े हैं? क्यों क्यों न जाने कितने ही ऐसे क्यों गरीबों के यहां से उठते हैं यहां से? क्यों 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 जानते हो क्यों? क्योंकि कानून और इंसाफ ताकतवर के घर गुलाम बनकर बैठे हैं, और जब तक ऐसा रहेगा खून यूं ही बहेगा। इस खून के जिम्मेदार तुम हो, तुम जैसे गैर जिम्मेदार पुलिस वाले एक आम आदमी को घातक बनने पर मजबूर करते हैं। तुम्हारे पापों की कीमत चुकाई है तुम्हारी बेटी ने। ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? जो दर्द तुम आज महसूस करके मरना चाहते हो, ऐसे ही दर्द लेकर हम रोज जीते हैं। पिंकी अपने डैडी को संभालो। पिंकी मेरी बच्ची, देखो, अरे देखो पिंकी मेरी बच्ची आ गई। हेलो काशी, तुमने ठीक किया, मुझ जैसे आदमी को समझाने का यही तरीका था। मैं अब तुम लोगों के साथ मिलके लड़ूंगा। ये नौकरी रहे ना रहे, बात जान पे क्यों ना आ जाए, मैं वादा करता हूं कातिया अब तुम लोगों को उस जगह से हटा नहीं सकता।